दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी ये ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञान वर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे, इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों जो धूप घास है हमारे भारत वर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैव्य शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके दैव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे, अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधक लोग होते हैं जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे जो साधक लोग हैं लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे हजार गुना फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है, एक कप रस धूप घास का निकालना है। कितना निकालना है, जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो एक कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा हो गर्मी का, केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में
तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है, कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन एक कप, अगर इसका प्रतिदिन एक कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए, ये बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका एक कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके धूप घास का, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं, ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा, ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। परस में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है धूप घास, ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा माँ बसती है, इसलिए दोस्तों ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है, घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश अवश्य होते हैं, इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें, ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, हमेशा काम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सब को जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं, कुंडली भी जागृत करते हैं रवि पुष्प नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं, हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी दैव्य शक्ति कही गई है, आसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूँ ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5 इसके जो ये धूप घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखें, तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है, 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में
कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्वा घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वो करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होते देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है दुर्वा घास। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है धूप घास। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें।